हेलो भाई, अभी मैं खड़ा हूँ BMW 7 सीरीज के आगे। ये इसकी हेडलाइट है ऐसी। यहाँ पे ये हेडलाइट वॉशर मिल जाते हैं। नीचे इसके पार्किंग सेंसर हैं और उसमें दो की आती हैं। ये जो इसकी सेकेंडरी की है, लॉक अनलॉक, और ये दबाते हैं लॉक। इसका BMW का लोगो है। और ये जो इसकी फ्रंट ग्रिल है ना, काफी ह्यूज है। इसके हेडलाइट है, पार्किंग सेंसर, अलॉय व्हील है। यहाँ पर M स्पोर्ट की बैचिंग है। ORVM के नीचे भी कैमरा मिलता है। यहाँ पे डीजल भरने के लिए फ्यूल लेड, पीछे से ऐसी गाड़ी 7 सीरीज की बैजिंग, 330LD डीजल। यहाँ पर भी सेम, और दो सनरूफ हैं इसमें अलग अलग, बीच में पार्टीशन है। यहाँ पे इसकी चाबी है। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर। जब डोर खोलते हैं तो एम्बिएंट लाइट देखने को मिलती है। ये एम्बिएंट लाइट, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, फोल्ड अनफोल्ड, यहाँ पे विंडो लॉक अनलॉक, यहाँ पे इसकी लॉक करने के लिए अनलॉक करने के लिए, ये बूट खोलने के लिए बटन मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये इसके इलेक्ट्रिक सीट के कंट्रोल्स, इससे आगे करेंगे आगे हो जाएगी, पीछे करेंगे पीछे हो जाएगी, और इससे पीछे, इसे भी ऊपर वाली को पीछे करना चाहे पीछे हो जाएगी। यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स आते हैं। ये आगे के पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, पीछे के पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई साहब, लाइट ऑन नहीं है इसमें। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले BMW का लोगो आता है। यहाँ पे मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल, डोर पे स्पीकर है। डोर बंद कर दें, एम्बिएंट लाइट बहुत बढ़िया लगती है देखने में। इसके ORVM स्टार्ट करो, स्टार्टर, यहाँ से इसका ऑन ऑफ का बटन ऐसे ऑन हो जाती है। इग्निशन, यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है, यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स हैं, कॉल पिक करने का काटने का। यहाँ पर लाइट के कंट्रोल्स आ जाती हैं, ये लाइट ऑन हो जाती है तो काफ़ी रोशनी हो जाती है कैबिन में। इसकी डिस्प्ले, इसके हैजार्ड बटन, और काफ़ी बड़ा लंबा बोनट दिखता है यहाँ से। इसके और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टू जोन है शायद से। बंद कर दें, आवाज़ आएगी। इसका गियर नॉब, यहाँ से पार्किंग सिलेक्ट हो जाती है। नीचे भी एल्यूमिनेशन दी गई है पैडल्स के पास। यहाँ पर ये ऑटो होल्ड का बटन है।
अब इसके कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे वैनिटी मिरर इल्यूमिनेशन के साथ सेम, यहाँ पे भी एक बार लाइट ऑन कर देते हैं, सीट को पीछे कर देते हैं, यहाँ पर आर्मरेस्ट खोलने के लिए बटन दिया गया है, आर्मरेस्ट में भी एल्यूमिनेशन है, एक यूएसबी का पोर्ट है और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर भी जब इसे खोलते हैं तो इसके अंदर भी एल्यूमिनेशन है, काफी स्पेस है, अंदर से गाड़ी देखने में ना फील अलग आती है, इसमें काफी बढ़िया गाड़ी है अंदर से। लॉक हो गई, यहाँ पर इसका इसे कंट्रोल करने के लिए ये बटन दिए गए हैं, यहाँ से कंट्रोल हो जाता है, बैक करना हो बैक हो जाता है, इसमें एप्स इसमें मीडिया कम्युनिकेशन नेविगेशन कनेक्टेड ड्राइव माय व्हीकल, माय व्हीकल में जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कई सारे, और जब बैक जाते हैं नोटिफिकेशन में अभी को कुछ है नहीं, यहाँ से इसकी सनरूफ खुल जाती है, सनरूफ खुल गई इसकी, डिसेंट सी सनरूफ है, बाहर तो कोई जाएगा नहीं, जाना भी नहीं चाहिए बाहर, और क्या है इस गाड़ी में, कर रहा था ये ले तीसरी बार किया यार ये, चलो अब गाड़ी के पीछे जाके बैठते हैं देखते हैं एक बारी, यहाँ पर इसे कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग सेव्ड स्टेशन एफएम एएम म्यूजिक कम्युनिक म्यूजिक कलेक्शन सीडी ये सब आ जाता है, और बस इतना ही है, बाकी पीछे चलते हैं क्योंकि 7 सीरीज जो है चौथी बार हटा दिया मैंने, सॉरी भाई सॉरी, क्योंकि 7 सीरीज जो है वो आगे आगे बैठने में तो मज़ा है ही लेकिन पीछे उसमें ज़्यादा मज़ा है, तो पीछे बैठते हैं एक बारी, पीछे बैठते हैं, पीछे वाला जब डोर खोलते हैं काफ़ी बड़ा डोर है, यहाँ पे सनशेड आते हैं, सनशेड आते हैं, सनशेड यहाँ पर इसको विंडो डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी सीट्स के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर कुछ सामान रखना हो यहाँ पर स्पीकर्स हैं, एम्बिएंट लाइट है और ये सनशेड है, इसे हम डाउन करना चाहें तो डाउन भी हो जाती है, और इसे अगर ऑन करें तो ये भी ऑन हो जाता है, इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं, हो गया काफ़ी सारे फीचर हैं, यहाँ से ऑन या ऑफ हो जाता है, सबसे मेन जो है ना वो पीछे है ये, और यहाँ पर ये लाइट्स दी गई हैं, रीडिंग लैंप्स, यहाँ पे वैनिटी मिरर दोनों जगह एल्यूमिनेशन के साथ, और पीछे एल्यूमिनेशन है, ये इसके एसी के कंट्रोल्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, और ये चीज़ की बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसमें क्या है इसमें ऐप्स आ जाते हैं,
ऐप्स, ये पूरा एक टैब है, ये सैमसंग का टैब है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। बेसिकली एक टैब है, यहाँ से ये आर्मरेस्ट खुल जाता है, इसे हम बैक कर सकते हैं, ये बाहर बाहर भी आ जाता है, ये देखो बाहर भी आ जाता है। यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पर इसके सीट के कंट्रोल्स आ जाते हैं, ये उठा कर अंदर करना हो अंदर भी हो जाता है। और ऐसी कुछ गाड़ी है, ऐसे सामने से लगती है। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।